हमारे अच्छे व्यवहार के बावजूद हमें कुछ लोगों के साथ समस्याएं क्यों आती हैं? हम सब सोचते हैं कि जब चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती तो वो हमारे लिए बुरी हो गई। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, औरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही होती हैं जिसकी हमें समझ नहीं है। हमारे पिछले कर्म क्या हैं उसकी हमें जानकारी नहीं। कई तकलीफ़ें ज़िंदगी में इस ज़िंदगी से नहीं लेकिन पिछली ज़िंदगी से आ रही होती हैं। तो क्या क्या कर्म हमारी ज़िंदगी में कटने हैं इनका क्योंकि हमें अनुभव नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, तो इसीलिए हम समझ नहीं पाते कि क्यों हमारी ज़िंदगी में तकलीफें आती हैं। इंसान को जीना चाहिए इस प्रिंसिपल के लिहाज से जो कि है तेरा भाना मीठा लागे। ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारे लिए बेहतर है वो ही हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। अपने आप को उस रूप में अगर रखेंगे तो फिर कोई भी चीज़ हमें बुरी नहीं लगेगी। हमें भी जाने कि इस धरती पर इतने लोग हैं और कई लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है और सोच समझ सबकी अलग अलग है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। हम अपने आप को समझें, जाने कि हम सब एक ही हैं, तो हम देखेंगे कि जिसे हम तकलीफ़ समझते हैं वो तकलीफ़ नहीं रह जाएगी। तो हमें अपना नज़रिया बदलना है। वो भाई बहन जो अपना नज़रिया बदल लेते हैं, जो जानते हैं कि हम सब एक हैं, जो जानते हैं कि हर एक चीज़ प्रभु की रज़ा में हो रही है, तो फिर उनको कोई भी चीज़ तकलीफ़ दे नहीं पाती।